हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ओके होंगे। और आज की बात करेंगे कि आप बीएड या बीटीसी के लिए लेसन प्लानिंग पाठ योजना कैसे बनाएंगे जो आपकी टीचिंग होती है लास्ट सेमेस्टर में, तो उसके लिए आप लोग लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा कि लेसन प्लान का निर्माण कैसे किया जाता है। ये जो सब्जेक्ट है, ये वैसे मैंने साइंस का लेसन प्लान लिया है यहाँ पे, लेकिन आप इस फॉर्मेट को सभी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट और टॉपिक हो, बाकी सारी चीजें यही रहने वाली हैं, फॉर्मेट ही। पहले दिनांक का कॉलम आता है और दिनांक का विषय का विषय के बाद आपको आता है क्लास, ठीक है। और क्लास के बाद में जो आपका कॉलम होता है वो होता है आपका कालांश का, यानी पीरियड कौन सा, और उसके बाद में अवधि, यानी किसने समय के लिए आप किस क्लास में जा रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद बात आती है, मतलब के बाद आपको जैसा पता है विज्ञान में तीन पोर्शन होते हैं, तो इसका विज्ञान हो गया। लास्ट में आपका टॉपिक निर्धारित होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें इसके बाद, टॉपिक के बाद अगर हम लोग बात करें इसमें, तो देखिए सामान्य उद्देश्य में पॉइंट लिख सकते हैं आप। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपके सब्जेक्ट को रिलेट करता है, सब्जेक्ट को, यानी बच्चों के प्रति, बच्चों के अंदर एक ऐसी भावना जागृत करिए जिससे बच्चे उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं। ये चीज होती है सामान्य उद्देश्य में, इसमें यही लिखा हुआ, आप चार पॉइंट देख रहे हैं। उसके बाद इसमें आता है विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। अब विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? विशिष्ट उद्देश्य में आप जो टॉपिक ले रहे हैं क्लासरूम में उससे संबंधित होते हैं, यानी अब टॉपिक के प्रति बच्चों में क्या जागरूकता या उत्सुकता लानी है ताकि वो आसानी से उसको पढ़ सकें। तो ये जो चीजें होती है वो निर्धारित होती है विशिष्ट उद्देश्य में। इसमें भी 4 से 5 पॉइंट आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब क्लासरूम में जाने से पहले आप क्लासरूम में पढ़ाते समय आपको किन किन चीजों की आवश्यकता हो रही है, उन चीजों को लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो आप देख रहे हैं वो है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब ये होता है कि छात्र पहले भी जो टॉपिक आपने लिया है, जैसे जल प्रदूषण है, इसमें तो लिखा है छात्र जल प्रदूषण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूर्व ज्ञान में आता है। अगर हम लोग अब बात करें यहाँ पे कि आगे क्या आएगा, तो अगली स्लाइड में देख जो है वो आपकी, देखिए अगली जो स्लाइड में है वो सबसे पहले आया है, इसमें प्रस्तावना। यहाँ से प्रस्तावना है जो मेन पॉइंट होता है। लेसन प्लान बनाते समय आपको बस यही दिक्कत आती है, प्रस्तावना में ही आप लोग उलझ के रह जाते हैं कि प्रस्तावना में हम क्या भरें, ठीक है। तो प्रस्तावना में सबसे पहले हम देखते हैं कि लिखा हुआ है अध्यापिका कथन। यहाँ पे जो छात्र है, यानी कहने का मतलब जो मेल है, मेल जो और टीचर है जो बीएड कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन आएगा, और जो गर्ल्स हैं यानी फीमेल हैं उनके लिए छात्र अध्यापिका कथन आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न बनाने में दिक्कत है, जब हमको प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं, बच्चे बता देंगे पानी पीते हैं। सेकेंड क्वेश्चन उसी से है, उसी से रिलेटेड, हमारे जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, जीवित रहने के लिए। यानी इन दोनों का जो रिलेशन होता है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें, ये जो बच्चे आपका आंसर दे रहे हैं और आप जो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन उनके आंसर से ही होना चाहिए, और लास्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए जहाँ पे आपका टॉपिक भी निकल के आ जाए और बच्चे उसका आंसर भी डिफाइन ना कर सके, एक्सप्लेन ना कर सके। जैसे जल के प्रदूषित होने के क्या कारण है, बच्चों को नहीं पता है क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य हो जाता है आपका उद्देश्य कथन है। अब उद्देश्य कथन में क्या दे रखा है, उद्देश्य कथन में जो होता है आपका, उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम जल प्रदूषण के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है, ये बता के, और आप प्रस्तुतिकरण में ये टेबल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पे ये कॉलम बनते हैं, इसमें क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, अध्यापक या अध्यापक, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन,
छात्र कथन, शिक्षण विदों, श्याम पटकार, इतने कॉलम बनते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टीचिंग पॉइंट की, टीचिंग पॉइंट में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण आपका मेन टॉपिक था तो यहाँ पे आपको विकासात्मक प्रश्न लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वही टॉपिक आपका जल प्रदूषण मेन टॉपिक था जहां बच्चों को आपने उलझाया था, समस्या में थे बच्चे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए। यहाँ पे एक से दो क्वेश्चन पूछ के बच्चों को आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आप यहाँ पे बच्चे जैसे मौन रहेंगे, अपना स्पष्टीकरण आप देना स्टार्ट कर देंगे। देखिए आप स्पष्टीकरण देखें तो जो प्रश्नोत्तर विधि में आप मतलब जो शिक्षण विधि है उसमें व्याख्यान विधि आ जाएगा, और यहीं पे आप यहाँ पे कोई ब्लैक बोर्ड वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई आप ब्लैक बोर्ड अपना चिपका सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे, देखिए ये आपकी थर्ड स्लाइड है, और इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। देखिए अब स्पष्टीकरण के बाद में जैसे आपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा दिया है, बच्चों से क्या करेंगे आप, मतलब उन्होंने क्या ज्ञान अर्जित किया है आपके क्लासरूम से, उसके बारे में आप 2 से 3 क्वेश्चन पूछ के उनका फीडबैक भी ले लेंगे, जिसको बोलते हैं बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, तो बोधात्मक प्रश्न में ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी बताते हैं आपको, जल प्रदूषण किससे कहते हैं तो बच्चे बता देंगे प्रश्न उत्तर विधि द्वारा आपने बताया है, लेकिन जो सेकेंड क्वेश्चन जल के प्रदूषण के मुख्य कारक बताइए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे गलती है, यहाँ पे इसको आप इम्प्रूव कर लीजिए। जल प्रदूषण के मुख्य कारक क्या हैं तो आप बता सकते हैं क्या क्या कारक होते हैं जल प्रदूषण के लिए, इंसेक्टिसाइड हो गए, या स्पष्टीकरण में आपने सब पढ़ा है। ठीक है, जैसे अपमार्जक हो गए आपके, डिटर्जेंट हो गए, ये क्या करते हैं सभी जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये गलत है, यहाँ पे मौन नहीं रहेंगे, वो एंस का आंसर करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे देख टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे एक टॉपिक से ही आप लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जब मिनट की होती है तो आप एक टॉपिक आपका 10 से 12 मिनट में फिनिश हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे टीचिंग पॉइंट 2 लेने पड़ते हैं, 3 लेने पड़ते। अब लिखा है जल प्रदूषण के मुख्य कारक व हानिकारक प्रभाव। ठीक है, बच्चों से आपने विकासात्मक प्रश्न पूछ लिया है, उन्होंने एक प्रश्न का तो उत्तर दे दिया आपको, लेकिन जैसे ही आप उनसे सेकेंड प्रश्न पूछेंगे वो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, और वहीं पे आप क्या करेंगे अपना स्पष्टीकरण स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से स्पष्टीकरण स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। देखिए स्पष्टीकरण में आप क्या करेंगे, आप उनको पढ़ाने के बाद फिर से क्या करेंगे बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे फिर एक मिस्टेक दी गई है कि जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय बताइए, ये बोधात्मक प्रश्न जो है आपका यहाँ सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बच्चे उनके उपाय बताएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे इनका उपाय बता देंगे, तो ये चीज गलत है, बच्चे मौन नहीं रहेंगे, उसका उत्तर आपको देंगे, फीडबैक मिलेगा आपको उससे। ठीक है, उसके बाद में थर्ड टीचिंग पॉइंट यहाँ पे लिया गया है, तो थर्ड टीचिंग पॉइंट में आप क्या करेंगे फिर से विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, और विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद क्या करेंगे उन्हें एक प्रश्न में उलझा देंगे, जैसे जल प्रदूषण को आप कैसे नियंत्रित करेंगे, कैसे दूर कर सकते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, आप फिर से उन्हें में आप उनसे फिर से बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। देखिए यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न बिल्कुल सही पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का जवाब बच्चों ने दिया है। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये कंप्लीट होने के बाद अब आप क्या करेंगे निरीक्षण कार्य। ठीक है, निरीक्षण कार्य यहाँ पे आप देंगे बच्चों को। निरीक्षण कार्य का मतलब क्या होता है कि आप जो आपने पढ़ाया है बोर्ड पे, आपने जो इंडिकेट किया है बोर्ड पे, जो लिखा है, तो बच्चे उसको मतलब लिख रहे हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में, नहीं लिख रहे हैं, ये चीज आप क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे। तो वही लिखा है छात्र जब सैंपल कार्य कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक उनके कार्यों का निरीक्षण पूरी कक्षा में घूम घूम के करेंगे या करेंगे। ठीक है, उसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं वो जितना अभी तक आपने पढ़ाया है क्लास में सबसे होता है। जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के मुख्य कारक व हानिकारक प्रभाव बताए, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र क्या होता है, सारी चीजें आप पढ़ा चुके हैं, तो यही चीज आप बच्चों से उसके बाद में पूछ लें। गृह कार्य, गृह कार्य का मतलब एक या दो क्वेश्चन आप बच्चों को ऐसे देंगे जो आपने पढ़ाया भी है, थोड़ा अलग से भी बच्चे सर्च करके उसको देखें और गृह कार्य पे करें। तो इस तरीके से आप लेसन प्लान बनाएंगे, और ये जो सब्जेक्ट था वो जीव विज्ञान था, और बाकी आप अदर सब्जेक्ट के इसी फॉर्मेट पे भी लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और सब्सक्राइब करने का जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए।